नमस्कार दोस्तों, सरिता जायका जंक्शन में आज बन रहा है चिकन मिर्च मसाला। एक बार अचानक किसी गेस्ट के आने पर बहुत ही जल्दीबाजी में मैंने इस तरह से चिकन बनाया था, लेकिन वो डिश सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि तभी से चिकन मिर्च मसाला मेरी टॉप 3 चिकन रेसिपीज में से एक है। और आज मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वही रेसिपी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने उस दिन बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन मिर्च मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें प्याज। ये मैंने 8 प्याज मीडियम साइज के लिए हैं और इन्हें छील कर धोकर लंबाई में काट लिया है। इसके बाद मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन, इसे भी धो के साफ करके मैंने इस तरह से रख लिया है। और अब मैंने लिया है 3/4 कप सरसों का तेल। गैस जलाकर मैंने पैन पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था धीमी आंच पे। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। दोस्तों तेल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इसलिए 2 टेबल स्पून करीब तेल मैंने रोक लिया है। तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, छोटी इलायची और तेज पत्ता। साथ में कटी हुई जो प्याज है उसे भी डाल देंगे भूनने के लिए। इस समय फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे और प्याज को बीच बीच से चलाते हुए पलटे से भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं। दोस्तों लगभग 2 मिनट हो गया है, अब ढककर हम हटा दे रहे हैं और प्याज को खुला ही भूनेंगे। देखिए इसमें जो है धीरे धीरे ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है प्याज का। इसे मैंने लगभग 5 मिनट तक भूना है और अब इसी स्टेज पे हमें प्याज में चिकन के पीसेस को ऐड करना है। जिस क्रम में चिकन को मैं बना रही हूँ उससे आपके समय की भी काफी बचत होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब रहता है। चिकन को एक बार पलटे से हम अच्छी तरह से चला देंगे। आंच को इस समय धीमा रखना है और इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या मसाले पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने देखे लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 5 साबुत लाल मिर्च। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गया है तो ढक्कन खोल के एक बार हम इसे चला देते हैं। दोस्तों ये देखिए इस समय इसका जो पानी था वो गाढ़ा हो गया है और इसमें हल्का हल्का सा तेल भी चमकने लगा है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं साबुत लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। इन सभी चीजों को हम एक बार चला देंगे और अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों जब भी आप चिकन चलाएं इस बात का ध्यान रखें कि तली में मसाला लगने ना पाए, इसलिए तली से खुरचते हुए इसे बराबर से चलाना है। तो चिकन को धीमी आंच पे हम पकने देते हैं और इधर हम तैयार कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 लहसुन की गांठें लिए मैंने, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, इसे छील कर पीस कर इस तरह से पेस्ट बना लिया है। धीमी आंच पे चिकन को 3 मिनट हमने और पकाया है और अब हम इसमें पेस्ट डाल रहे हैं। दोस्तों आप लहसुन अदरक का पेस्ट सूखे मसाले के साथ भी डाल सकते हैं। एक बार चिकन को हम और अच्छी तरह से चला देंगे, फिर गैस धीमा करके इसे पकने देते हैं, फिर हम तैयार करेंगे गरम मसाला। हम लेंगे 1 फूल जावित्री, 3 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी, 6 छोटी इलायची और लगभग 6 ही लौंग। और इन सभी चीजों को मिक्सी के जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से महीन पेस्ट बना लेंगे। सूखे मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन को लगभग 10 मिनट तक भूना है और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। घर में ताजे पिसे हुए मसाले की खुशबू और जायके का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर घर में गरम मसाला तैयार करने में आपको परेशानी लग रही हो तो आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला पाउडर ले लीजिए और 2 चम्मच पाउडर इसमें डाल के साथ में 1/4 कप पानी डाल दीजिए और फिर उसे धीमी आंच पे भूनने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब हमें चिकन मिर्च मसाला को धीमी धीमी आंच पे भूनने देना है। दोस्तों पूरे घर में इसकी बहुत अच्छी खुशबू फैल रही है। इस रेसिपी की खास बात ये है कि आपको प्याज को बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और चिकन में सबसे पहले हम सूखा मसाला डालेंगे। जनरली हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं लेकिन पहले हमें सूखा मसाला डालना है, 3-4 मिनट उसे भूनना है, फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो दोस्तों देखिए मसाला भून के तैयार हो गया है, तेल भी अलग हो गया है। तेल अलग होना ही मसाला भूनने की पहचान नहीं है। जब तक कि बहुत अच्छी खुशबू ना आए तो समझिए मसाला पका नहीं है। और इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। दोस्तों मेरे पास ये लाल और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन था तो मैंने इस तरह से डाल दिया है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं केवल। तो देखा आपने इसमें मैंने 3 तरह की मिर्चें डाली हैं, सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर और हरी मिर्च। इन मिर्चों का कॉम्बिनेशन ही चिकन मसालों को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो चलिए हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप पानी। चिकन मिर्च मसाला में मैंने मिर्चों का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया है जिससे इसका फ्लेवर बहुत उभर के आए और खाने में भी बहुत आनंद आए।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं चिकन खाने में भी खूब तीखा लगे और पेट में जलन भी ना करे तो बस आप इतना करिएगा कि मिर्ची को तोड़ के मत डालिएगा। मिर्ची को साबुत डालिए, इससे चिकन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है, पेट में जलन भी नहीं करता। तो देखिए चिकन की ग्रेवी भी पक गई है। अब एक पीस मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हड्डी से मांस अलग हो रहा है, तो चिकन एकदम अच्छा पक के तैयार हो गया है। तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और गैस को कर देंगे बंद। लीजिए तैयार हो गया हमारा चिकन मिर्च मसाला। मैं इसे जल्दी से सर्व करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत बेसब्री से चिकन मिर्च मसाला खाने का इंतजार कर रहे हैं और अगर मैंने जरा सी भी और देर की तो सर्विंग का वीडियो भी नहीं बन पाएगा। तो बस इस लजीज चिकन को चावल रोटी नान पराठा किसी भी चीज के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए और एंजॉय करिए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।